नमस्कार चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एट योर होम। आई एम सुधा रोला फ्रॉम एनईजीके। वंस अगेन आई एम कमिंग टू टीच यू मैथ्स। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विथ प्रेयर। जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। रब योर हैंड्स, पुट ऑन योर फेस, स्लोली ओपन योर आईज। एवरीवन चिल्ड्रन, रेडी फॉर योर सेशन। टुडे वी आर डूइंग एक्टिविटी ऑफ टेंस एंड वंस। ओके, लेट्स गो थ्रू द एक्टिविटी। ओके, टुडे वी आर मेकिंग एक्टिविटी ऑफ टेंस एंड वंस। यस, टेंस रिप्रेजेंट्स टी। टेंस को हम टी करके भी लिखते हैं और वंस को हम ओ करके लिखेंगे इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, हियर आई मेक ए ब्लॉक्स ऑफ टेंस एंड हियर आर छोटे छोटे मतलब स्मॉल बॉक्स ब्लॉक्स आर देयर। दीज वी कॉल वंस। अंडरस्टैंड, दीज आर टेंस ब्लॉक्स एंड दीज आर वंस ब्लॉक्स। नाउ वी नो अबाउट हाउ आई मेड दीज टेंस ब्लॉक्स। ए टेंस ब्लॉक्स मैंने कैसे बनाया मैं आपको बताती हूँ, मतलब कैसे बनता है टेंस का ब्लॉक्स। इफ वी काउंट, already I told you when we count from 1 to 9 digits those we called ones, like this 1 unit, 2 unit, 3 units, 4 units, 5 units, 6 units, 7 units, 8 units and 9 units. These are ones. When we put 9 units together, these become ones. When we add one more units, these become tens. है ना? जब हम only 9 units count करेंगे, वो बन जाएगा ones. हाँ, उसके साथ हम एक और units को add कर देंगे, तो ये बन जाएगा tens. These 10 units put in tens में। अभी ये सारे 10 ones को हम एक tens में बदल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे ब्लॉक बनाया है, इसको हम बोलते हैं tens ब्लॉक, है ना? क्योंकि देखो इसमें है ना 10 units मिलके one ब्लॉक बनता है। एक काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? दीज आर 10 यूनिट्स, मतलब छोटे छोटे 10 यूनिट्स मिलके बन गया 1, 10। यस, समझ में आ गया? अगर इफ वी पुट हियर ओनली वन वंस, दैट इज वन टेंस एंड वन वंस बिकम्स 11, यस, ये बन जाएगा 11। नाउ इफ आई पुट वन मोर यूनिट्स इन वंस प्लेस, देन इट्स बिकम 1 tens एंड 2 ones, दैट इज 12, यस, दैट इज 12, 1 tens एंड 2 ones. If I put here 2 more units, 2 more ones, मतलब how many ones are there? Count here, 1, 2, 3, 4. Here are 4 ones and here is 1 ten. Yeah? 1 tens and 4 ones becomes 14, है ना? मतलब 14 में 1 tens होते हैं, फिर 4 ones होते हैं, है ना? 1 tens and 4 ones, it makes number
14. Yes, understand everyone? If I put another ones, that is 1, 2, 3, 4 and 5. These are 5 ones and here is 1 tens. How many? Which number makes now? Did you know? 1 tens and 5 ones makes 15. Yes? 1 tens and 5 ones makes 15. Very good. If I remove 2 units. Now, how many ones are there? 1, 2 and 3. And here is 1 ten. Matlab, 1 tens and 3 ones makes which number? 13. Yes? Understand now? Okay. In the last, we are making which number? Did you know which number we are making now? Which number is this? 2020. How you make in tens and ones? आप tens and ones में कैसे बनाते हो? मतलब this is 110. A 110 है. ऐसे ही हम will take another tens blocks and we put together in tens place. Ten की place में हम दो ब्लॉक्स यहां पे रखेंगे तो ये बन जाता है 20, दैट इज 2 टेंस. और वंस की प्लेस में हम कुछ भी नहीं रखेंगे क्योंकि वंस प्लेस इज 0. यस, वन की प्लेस में क्या कौन सा नंबर है? 0 है. सो वी डिड नॉट पुट एनी वंस इन वंस प्लेस. मतलब वी डिड नॉट पुट एनी यूनिट्स इन वन प्लेस. वी पुट ओनली 2 blocks, tens blocks in tens place. That makes 20. Yes? Understand everyone? I hope you understand. Okay, now we make this activity again with another things. Okay, now we make another activity of tens and ones. अभी देखो, मैंने यहाँ पे use किया है चना. आपके घर पे मम्मा इसकी सब्जी बनाते हैं ना? देखिए, ऐसे वाले चने आपके घर पे होंगे, है ना? ये आप यूज करके आसानी से टेंस एंड वंस की एक्टिविटी कर सकते हो, है ना? ओके पेरेंट्स, प्लीज हेल्प योर चिल्ड्रन टू डू दिस एक्टिविटी एट होम, देन दे विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, नाउ आई टेक सम chana in my hand. I put it in this cup. A cup में मैं धीरे धीरे डालूंगी. आपको count करते जाना है कितने ones हो गए, ठीक है? Okay, first 1, 2, 3, 4, 5. How many chickpeas I put in this glass? 5. Yes. Can you see this? Yes. Here are 5 chickpeas. Yes. Okay. This becomes 5 ones. है ना? A बन गया 5 ones. 1 से लेके हम 1 digit के numbers count करते हैं तो उसमें हम 1 digit के numbers में count करेंगे तो एक एक की हम units count करेंगे ना? तो only we put 5 ones, that becomes number 5. Understand? If I put here 10 chickpeas. Abhi main yahan pe 10 chickpeas dalungi tens ki place mein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, I put 10 chickpeas in
one glass, that becomes 1/10. A 1/10 की glass है और a 5/1 की glass है ना. अभी इसके पहले भी मैंने दिखाया आपको 10 1/10 and 5/1 makes which number? Tell me fast. 1/10 and 5/1 makes number 15. Yes, है ना? Number 15 बन गया. समझ में आया ना? Okay, now I will put another 2. Here are 5 chickpeas in ones place. I put another 2 chickpeas. That is 6 and 7. Yes, 6 and 7. मतलब here is 1/10 and 7/1. 1/10 and 7/1 makes which number? Number 17. Yes, understand? Okay. Now, how many chickpeas we have to put in tens place to make 20? 20 बनाने के लिए हम कितने chickpeas को रखने चाहिए अभी? मुझे बताइए पहले. Yes, we have to put 10, 20 chickpeas. Yes, मतलब 10-10 के दो glass हमको रखने पड़ेंगे. है ना? 8-10 के place में एक तो है हमारे पास. That is 1/10 and we put another glass of tens to make number 20. To make number 20, we put 2 glasses of tens. Yes. Okay, now these are 1/10. देखो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes, this is 1/10 and this is 2/10. मतलब दोनों ग्लास में 10-10 chickpeas है. मतलब this becomes 20. 1/10 and 2/10. 2/10 makes number 20. Okay, I hope all of you understand this activity. Very good. Now we'll go through the classwork portion. Okay, this is our today's classwork portion. Okay, first we have to mention your CW and date, and the page number is 9. Yes, 9 in worksheet. Now we sing this rhyme. Please sing along with me. Hello, I am the ones place. I represent all the single digit numeral form, numerals from 0 to 9. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. है ना? देखो, ये क्या समझा रहा है आपको? मैं एक 1 की प्लेस हूँ. 1 की प्लेस में मैं क्या दिखाता हूँ आपको? 0 से 9 नंबर्स. 0 से हम 9 नंबर को मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं. मतलब 1 प्लेस हमको समझाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 till 9. Only up to 9 digits, those are called single digit. Those single digits we call them ones place. We are called ones. है ना? ये सबको हम क्या बोलते हैं? Ones. Because we only have one digit. Yes? Understand? Because we only have one digit. इसका मतलब क्या है? हम खाली one digit है. इसीलिए हम one place को represent करते हैं. Yes? उसके बाद I don't know, but I have been told. I don't know, but I have been told. Tens are tall. देखो, tens are tall and ones are small. है ना? दिख रहा है ना आपको? Tens की place आपको tall लग रहा है, मतलब लंबा लग रहा है. और ones की place आपको कैसे दिख रहा है? छोटे-छोटे blocks दिख रहे हैं. Then, first you count up
all the tens, then add the ones on the end. पहले आपको tens की place को count करना है, उसके बाद आपको ones की place को count करना है. Then we count digit. मतलब 11, 12 ऐसे आपके digits बनते हैं. पता है वो कैसे बनते हैं? पहले हम 10 की place को count करेंगे, उसके बाद 1 की place को. Yes, understand? Once again we read this. Hello, I am ones place. I represent all the single digit numerals from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We are called ones because we only have digit 1. Yes, we are called ones because we only have digit 1. I don't know, but I have been told. मुझे नहीं पता है, पर फिर मुझे बोलते हैं सब. क्या बोलते हैं मुझे? Tens are tall and ones are small. है ना? Tens are tall and ones are small. First you count up all the tens. First you count up all the tens, then add the ones on the end. लास्ट में हमको वंस को काउंट करना है ना. फर्स्ट वी काउंट अप ऑल द टेंस, देन एड द वंस ऑन द एंड. ओके, और अभी मैंने आपको एक्टिविटी में बताया. यस, इन द एक्टिविटी आई टोल्ड यू फर्स्ट वी काउंट ऑल द हियर दीज 10 वंस बिकम्स 110, है ना. 10 वंस बिकम्स 110. ये 10 वंस मिलके एक टेंस की ब्लॉक्स बनती है, उसको हम 110 बोलते हैं. जैसे ही यहाँ पे टेंस, 10 टेंस, 10 टेंस मतलब ऐसे 10 की ब्लॉक्स, हम 10 ब्लॉक्स को मिलाएंगे तो बन जाता है 100. ये हम यूकेजी में सीखेंगे, ठीक है. अभी हमने ऐसे ही समझाने के लिए आपको दिया है. ओके, हियर 1 इज Done for you. What is the value? आपको इसका वैल्यू क्या है फाइंड करना है. देखो यहाँ पे है, हियर इट इज 110 एंड 210. दैट इज 2. फर्स्ट 2 टेंस एंड हियर आर 1, 2 एंड 3. 3 वंस. 2 टेंस एंड 3 वंस मेक्स विच डिजिट? 2, 3, 23. यस, अंडरस्टैंड आर ऑल ऑफ यू? 110, it is 110 and it is 210s. That is 210s. Here are how many ones are there? 3 ones. So it is written here 3 ones. A 210s and 3 ones ban jata hai 23. The value of these blocks is 23. This is page number 10. Okay, now we go to the page number 11 in your worksheet. This is your classwork. Okay, how to do this classwork? I will show you on the blackboard. Okay, first what you have to write on the worksheet, on the top CW, that is classwork, and here we have to mention day. First we read the heading. Count the blocks. Then complete the chart. What it means? We have to count the given blocks. ये सारे blocks को हमको count करना है. Then we have to fill up these numbers, correct? Numerals. Yes? Then it chart will be completed. Okay? Okay, let's. One has been done for you. Yes? पहला वाला आपके लिए हमने करके रखा है here. देखो, let's count these tens blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listen, in these white color blocks are shows tens place. Yes. Understand? Okay, first we count tens place.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You know, this is 1, 10. And here are 4 ones. That is 1, 2, 3, 4. This is 4 ones. ये हम full form में कैसे लिखते हैं? 10 plus 4. 10 plus 4. मतलब 110 में 10 ब्लॉक्स है और 4 वंस में 4 है, इसीलिए हमने इसको फुल फॉर्म में लिखा है 10 प्लस 4, दैट इज नंबर 14. ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, वंस अगेन, हियर आर दिस इज 110. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज 110, सो वी हैव टू राइट हियर 1. And how many ones are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many ones are there? 8. Yes, we have to write here 8. Oh, now we show in full form 1, 10. That means 10. 1 tens means 10 and 8 ones means plus 8 ones. 1 ten में 10 blocks है और 8 में 8 ones में 8 blocks है. ऐसे हमको लिखना है. ओके, one second. This is 1 ten. Yes, this is 2 blocks shows 1 ten. So we write here 1. है ना? Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, this is 1, 10. And how many ones are there? 1, 2, 3, 4, 5. How many ones are there? 5. Yes, these are 5 ones. That shows in 1, 10, how many blocks are there? 10. Then we put addition sign, then and how many ones are there? 5. So we write here 5. Okay, just like that. And here also this is 110. So we write here 1. And how many ones are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 ones. So in 110, 10 blocks are there and in 7 ones only 7. In the last, this is 110. So we write here 110 and how many ones are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many ones are there? 6. So we write here number 6. That means number 16. In the last, in tens place, how many ones are there? 10. In 6 ones, how many ones are there? 6. Okay, this is our class work. We fill our chart. है ना, ये chart हमने पूरा complete कर दिया. Tens, ये दोनों blocks मिलके 110 बनता है, तो 110 लिखा हमने. फिर we count these small units and write correct numerals. Then in the last, we fill this chart. Hope you understand. Next, go to the homework question. Okay, this is class work. We write on the board work, in the board, that is page number 11. Yes? And now this is homework question, page number 12. Yes? Page number 12 in worksheet. First, we have to mention here HW मतलब homework. Here you have to mention the day. First we read the heading. Count how many tens and how many ones. Color the correct number. यहाँ पे tens दिया है and ones भी दिया है. वो आपको count करके यहाँ पे सही number पे color करना है. Understand? Okay. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
seven, eight, nine, ten. This is 1 10. And how many ones? 1 2. मतलब 10 after 11 and 12. How many blocks are there? 12. So we have to color on 12 blocks. Then here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 after 11. So where is the 11 number? Yes, here it is. So color on the 11 number. In the last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 after 11 12 13 14 15. Here is, where is number 15? Here it is. So color number 15. Just like that you also do these all 3 blocks. Count it and color on correct circle. Okay, bye everyone.